हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही यूजफुल खास चीज़ें दो बनाएंगे। 12x19 इंचेस का ये पार्ट लिया है और इसे मैंने ऐसे फोल्ड किया और इसी के नाप से मैंने ये अस्तर ले लिया है, आप देख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे फैलाइए और यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसपेरेंट सीट ली है 12x33.5 इंचेस की है। और दोस्तों, अगर ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल कपड़ा ले लीजिए। अब ये स्ट्रिप मैं यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरीके से और इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद मैंने ये दो स्ट्रिप रेडी कर लिए। हमने ट्रांसपेरेंट सीट दो ली थी तो इसे हमने ऐसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लिया है। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है उसे दूसरी साइड भी हम सेम यही तरीके से स्ट्रिप अटैच करके फोल्ड कर लेंगे। और आप देखिए यहाँ पे इसे ऐसे फोल्ड करते हुए आपको अटैच करना है। देखिए और अब दूसरी स्ट्रिप भी हम यहाँ पे ऊपर की ओर अटैच कर लेंगे। तो ये हमने दोनों ट्रांसपेरेंट सीट अटैच की। उसके बाद हमने 12x5 इंचेस के ये दो पार्ट ले लिए हैं। इसे ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे स्टिच करने के बाद इसे आपको यहाँ पे अटैच करना है ऐसे फोल्ड करते हुए। देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों ली थी, दोनों को फोल्ड किया इस तरीके से, यहाँ पे अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जितने भी पॉकेट हमें बनाने उस हिसाब से आप मार्क करें और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे आपको स्टिच कर लेना है। और ध्यान रखें यहाँ पे आपको नीचे पैक भी कर लेना है, ऊपर की ओर आप खुला रखें। और यही तरीका है, ऊपर भी हम करेंगे। नीचे हमने तीन पॉकेट बनाए हैं और ऊपर की ओर हमने बनाए हैं 4 पॉकेट। देखिए ये अलग अलग से 4 पॉकेट रेडी हो गए। अब हम यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रिप लेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे और इसका नाप है 12x4 इंचेस। तो ये फोल्ड हो गया है, दोनों हैंडल हमारे रेडी है। इसे यहाँ पे अटैच कर लीजिए। देखिए ये अटैच हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे इसके ऊपर जो मेन पार्ट हमने लिया था ना वो रखिए। और यहाँ पे भी आपको पैक करना है दोनों साइड से। देखिए यहाँ पे आप कोई भी कपड़े से बना सकते हैं, नए पुराने कोई भी कपड़े से बना लीजिए। और देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है, आप भी कर लीजिए। और यहाँ पे आपको करनी है देखिए इसके ऊपर ऐसे स्टिच करनी है आपको पूरे में। और यहाँ पे आप टॉप स्टिच कर लीजिए। और टॉप स्टिच करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे स्टिच करते जाइए धीरे धीरे से। तो ये देखिए, और अब हम यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे, इसी से अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगी, जो आगे पीछे स्टिच टाइम होता है वो अच्छे से। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यहाँ पे हमने दूसरी स्ट्रिप ली है जिसे ऐसे फोल्ड करके दोनों साइड से आपको फोल्ड करना है ऐसे और स्टिच करना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की ओर फोल्ड कीजिए और स्टिच कर लीजिए। तो ये हो गया, सेम यही तरीके से हम दूसरी साइड रेडी करेंगे। अब देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइजर कितना बड़ा प्यारा सा हो गया, इसमें सारी चीज़ें हमारी सिलाई की ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम का है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा है। इसमें आप अपना रेडी होने का सामान भी रख सकती हैं। और मैं यहाँ पर सिलाई का जो भी सामान है मेरा सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, आप देख सकते हैं।
और ये आपको कहीं पे ले जाना है तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके हैंडल है कहीं पे लटका भी सकते हैं, जब ज़रूरत है तब ले सकते हैं। ये देखिए कहीं पे भी आप लटका सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर है। और देखिए अब क्या, उसके बाद मैंने ये छोटा सा कपड़ा ले लिया है देखिए, और ये मैंने बाउल से इसको यहाँ पे कट कर लिया है। दोनों को पहले मैंने स्क्वायर पीस से कट किया था और बाउल के नाप से मैंने ये जो आटा बैग होती है वो ले ली है, उसमें से कट किया है। इसे सेंटर में ऐसे रख लीजिए और इसके ऊपर दूसरा जो पीस है वो रख के स्टिच कर लीजिए राउंड में, क्योंकि ऐसे भी आप स्टिच कर सकती हैं। तो ये स्टिच करने के बाद ये जो हमने आटा बैग है उसी के नाप से ऐसे कट कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए जहाँ पे आपको नीचे बॉर्डर अटैच करना है थोड़ा सा, तो इसी का नाप लीजिए ऐसे राउंड लेके। तो ये 9 inches हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो 9 inches का ये मैंने बॉर्डर ले लिया है और इसका यहाँ से नाप 1 inches है, 1.5 inches या 1 inches आपको लेना है। और यहाँ पे जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक स्टिच कर लें। उसके बाद मैंने 2 loops ले लिए हैं जिसे मैंने फोल्ड कर लिया है, और इसी यहाँ पे बॉर्डर है जहाँ पे वहाँ पे अटैच कर लीजिए। फिर मैंने ये चिप ली है जिससे हमने ऊपर का नाप लिया है और इसे अटैच कर लीजिए, और इसके अंदर रनर जरूर से डाल दीजिएगा। और फिर ये बॉर्डर को यहाँ करें और दूसरी साइड के बॉर्डर को जॉइन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, पार्ट ले लीजिए यहाँ पे आपको, और इसे यहाँ पे पूरे राउंड में स्टिच कर लीजिए और इसे लीजिए। हमारा जो बताना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।